Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Jaipur Declaration. So we will know Jaipur Declaration about the PIB news is very important. Recently the 18th UIC World Security Congress, jointly organized by Railway Protection Force and International Union of Railway, concluded with the adoption of Jaipur Declaration by the attendee. तो ये कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ, ये इम्पोर्टेंट है. हाल ही में जो था आपका वो 18th यूआईसी वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस को जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया, किसके द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के द्वारा, जहां पे आपका एडॉप्ट किया गया जयपुर डिक्लेरेशन को अटेंडी के द्वारा. जयपुर डिक्लेरेशन आउटलाइन एन एक्शनेबल एजेंडा टू हेल्प रेलवे ऑर्गेनाइजेशन अचीव देयर लॉन्ग टर्म गोल ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. जो जयपुर डिक्लेरेशन है ये आउटलाइन कर रहा है एक एक्शनेबल एजेंडा को जो कि मदद करेगा रेलवे ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने में उनके लॉन्ग टर्म गोल को, सेफ्टी और सिक्योरिटी का. यूनिक वर्क डन बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो यूनिक वर्क अभी किया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, इसको हम जानेंगे. इम्पोर्टेंट है सारे पॉइंट. ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते फॉर द रेस्क्यू ऑफ चिल्ड्रेन, जो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते है रेस्क्यू करने के लिए चिल्ड्रेन को, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा किया गया है. ऑपरेशन आहत फॉर रेस्क्यूइंग वुमेन एंड चिल्ड्रेन फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ट्रैफिकर, जो ऑपरेशन आहत है रेस्क्यू करने के लिए वुमेन और चिल्ड्रेन को ट्रैफिकर के क्लचेस से. बचपन बचाओ आंदोलन हैज रेस्क्यूड ओवर 1600 चिल्ड्रेन फ्रॉम ट्रैफिकिंग एंड फैसिलिटेटेड द अरेस्ट ऑफ 337 एलएस ट्रैफिकर इन कोलेबरेशन विद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इन राजस्थान ड्यूरिंग द लास्ट टू ईयर. और जो बचपन बचाओ आंदोलन है इसके मदद से रेस्क्यू किया गया है 1600 चिल्ड्रेन को ट्रैफिकिंग से, और फैसिलिटेट किया गया, अरेस्ट किया गया 337 एलिस ट्रैफिकर को कोलेबरेशन करके रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ राजस्थान में लास्ट टू इयर्स पे. पीपल एट ऑल मेजर रेलवे स्टेशन वे आर बींग सेंसिटाइज अबाउट द इश्यू ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, और जो पीपल है सारे मेजर रेलवे स्टेशन पे उनको सेंसिटाइज किया जा रहा है जो इश्यू है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर. यूआईसी के बारे में हम जान ले. द यूआईसी एस्टैब्लिश इन 1922, हेडक्वार्टर पेरिस, इज द वर्ल्ड वाइड प्रोफेशनल एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग द रेलवे सेक्टर फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट. जो यूआईसी है इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1922 पे, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है. यह वर्ल्ड वाइड प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो रिप्रेजेंट करता है रेलवे सेक्टर को रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रमोशन के लिए रेल ट्रांसपोर्ट का. आरपीएफ के बारे में भी हम जान लें. आरपीएफ इस्टेब्लिश इन 1957 इज द प्राइम सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ रेलवे सिक्योरिटी इन इंडिया. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, पैसेंजर एंड पैसेंजर जोन. जो आरपीएफ है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इनको इस्टेब्लिश किया गया था 1957 में. यह प्राइम सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे सिक्योरिटी के फील्ड में भारत में. यह रिस्पॉन्सिबल है सिक्योर करने के लिए रेलवे के प्रॉपर्टी को, पैसेंजर को और पैसेंजर जोन को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मनरेक्स, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. पहले भी इस टॉपिक को कंसीडर कर रखा है, फिर से जानेंगे. ओवर 40% ऑफ ग्राम पंचायत डू नॉट रिपोर्ट डिजिटल अटेंडेंस. जो 40% ग्राम पंचायत है वो अभी भी नहीं रिपोर्ट कर रहा है डिजिटल अटेंडेंस को. रिसेंटली द गवर्नमेंट मेड इट मैंडेटरी दैट द अटेंडेंस फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वर्कर विल बी कैप्चर थ्रू अ मोबाइल एप्लीकेशन नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम. अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि जो अटेंडेंस है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वर्कर का, उसको कैप्चर किया जाए मोबाइल एप्लीकेशन के मदद से, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के मदद से. ओनली कम्युनिटी वर्कर अंडर मनरेगा रिक्वायर नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, और जो सिर्फ कम्युनिटी वर्कर है मनरेगा के अंतर्गत उनके लिए ही आवश्यकता है इसकी. अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफिशियल एवरेज ऑफ 85% ऑफ मनरेगा वर्कसाइट करेंटली यूज दी एनएमएमएस ऐप टू कलेक्ट डाटा. और मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के अनुसार जो एवरेज है 85% है मनरेगा वर्कसाइट का जो कि करेंटली उपयोग कर रहे हैं नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप का कलेक्ट करने के लिए डाटा को. इसके बारे में भी हम जान लेते हैं नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में. द एनएमएमएस ऐप वॉज लॉन्च बाई द मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑन May 21, 2021. दिस ऐप इज एम्ड एट ब्रिंगिंग मोर ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योरिंग प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम. तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप है, इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा May 21, 2021 में. इस ऐप का मकसद था कि और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाया जाए और इंश्योर किया जाए कि प्रॉपर मॉनिटर हो सके स्कीम का. ये परमिट करता है कि आप रियल टाइम अटेंडेंस जो है वर्कर का ले महात्मा गांधी नरेगा वर्कसाइट का, साथ साथ जियो टैग भी करें फोटोग्राफ के साथ. दी ऐप हेल्प इन इंक्रीजिंग सिटीजन ओवरसाइट ऑफ द प्रोग्राम, और ये जो ऐप है ये मदद कर रहा है इंक्रीज करने में सिटीजन ओवरसाइट को प्रोग्राम के लिए. दी ऐप इज एप्लीकेबल फॉर दी महात्मा गांधी नरेगा वर्कर फॉर ऑल दी स्टेट यूनियन टेरिटरी, और ये जो ऐप है ये एप्लीकेबल है सारे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वर्कर के लिए, सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैचिंग ऑफ द ई श्रम बेनिफिशियरी डाटा विद द राशन कार्ड डाटा पीआईबी.
जो मैच किया गया है ई श्रम बेनिफिशियरी डाटा को राशन कार्ड डाटा के साथ पीआईबी क्लूज है, जानेंगे इसके बारे में। फिर ई श्रम पोर्टल इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसको भी समझेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव मैचिंग ऑफ द ई श्रम बेनिफिशियरी डाटा विद द राशन कार्ड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट डाटा। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का इनिशिएट किया उन्होंने कि मैच किया जाएगा ई श्रम बेनिफिशियरी डाटा को राशन कार्ड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट डाटा के साथ। ये जो इनिशिएटिव है यह इंश्योर करेगा कि जो राशन कार्ड बेनिफिट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत वो अवेलेबल हो सारे एलिजिबल वर्कर को जो रजिस्टर हो ई श्रम पोर्टल पे। ई श्रम पोर्टल इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जो ई श्रम पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, टू क्रिएट अ नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज माइग्रेंट वर्कर एंड टू प्रोवाइड देम विद अ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। कि क्रिएट किया जाए एक नेशनल डाटाबेस को अनऑर्गेनाइज या माइग्रेंट वर्कर के लिए और उनको प्रोवाइड किया जाए एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम टू अनऑर्गेनाइज वर्कर स्पेशली माइग्रेंट वर्कर एंड टू आइडेंटिफाई वर्कर्स हु आर डिप्राइव्ड ऑफ द वेरियस बेनिफिट ऑफ द वेलफेयर स्कीम ऑफ द सेंट्रल एंड और स्टेट गवर्नमेंट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस और अदरवाइज। और ये एक्सटेंड करेगा जो बेनिफिट है सोशल सिक्योरिटी का वेलफेयर स्कीम का अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए स्पेशली माइग्रेंट वर्कर के लिए। और ये आइडेंटिफाई करेगा वर्कर को जो कि डिप्राइव्ड है बहुत सारे बेनिफिट्स है वेलफेयर स्कीम का सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट का अवेयरनेस के कारण या किसी और रीजन के कारण, कि उनको भी आइडेंटिफाई करेगा और मदद करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शिकागो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन। हम जानेंगे जो आपका शिकागो कन्वेंशन है इंटरनेशनल सिविल एविएशन के लिए, इसके बारे में डिटेल्स में उसका रेटिफाइड प्रोटोकॉल जो है उसको भी समझेंगे। यूनियन गवर्नमेंट क्लियर 3 प्रोटोकॉल रिलेटेड टू अमेंडमेंट इन शिकागो कन्वेंशन। यूनियन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है 3 प्रोटोकॉल को जो कि रिलेटेड थे अमेंडमेंट को लेकर शिकागो कन्वेंशन पे। सिग्निफिकेंस इसका क्या होगा, इट विल हेल्प इंडिया टू बिकम मोर इंस्ट्रूमेंटल इन मैटर पर्टेनिंग टू द इंटरनेशनल सिविल एविएशन। ये मदद करेगा भारत को और ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल बनने में जो मैटर होगा इंटरनेशनल सिविल एविएशन से लेके। तो जो शिकागो कन्वेंशन है किस चीज के लिए, पहले ये आपको पता होना चाहिए कि ये सिविल एविएशन के लिए जो रेटिफाइड प्रोटोकॉल है, पहले हम इसको समझते हैं। अमेंड आर्टिकल 3 रिफ्रेन मेंबर स्टेट फ्रॉम यूज ऑफ वेपन अगेंस्ट सिविल एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट। जो ये अमेंड कर रहा है आर्टिकल 3 को, ये रिफ्रेन करता है मेंबर स्टेट को कि वो जो है यूज नहीं कर सकते वेपन्स को सिविल एयरक्राफ्ट के खिलाफ। अमेंड आर्टिकल 50 क्लॉज ए फॉर रेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। जो आर्टिकल 50 ए है इसमें कहा गया है कि रेज किया जाएगा स्ट्रेंथ को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल का। अमेंड आर्टिकल 56 फॉर रेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एयर नेविगेशन कमीशन। और अमेंड करने के बाद कही गई आर्टिकल 56 को भी ताकि रेज किया जा सके जो स्ट्रेंथ है एयर नेविगेशन कमीशन का। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश इन 1944 हेडक्वार्टर इन मॉन्ट्रियल कनाडा इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन लिंक टू ECOSOC दैट कोऑर्डिनेट द प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ इंटरनेशनल एयर नेविगेशन एंड फोस्टर द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट टू इंश्योर सेफ्टी एंड ऑर्डरली ग्रोथ। तो आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है ICAO, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1944 में, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा पर है। यह आपका एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आता है जो कि कोऑर्डिनेट करता है प्रिंसिपल और टेक्निक को इंटरनेशनल एयर नेविगेशन का और फोस्टर करता है प्लानिंग और डेवलपमेंट को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट का ताकि इंश्योर किया जा सके सेफ और ऑर्डरली ग्रोथ को। इच एज 193 स्टेट पार्टी इंक्लूडिंग ऑल यूएन मेंबर एक्सेप्ट लाइटेंस्टियन। इसमें सारे 193 स्टेट पार्टी है इंक्लूडिंग ऑल यूएन मेंबर को, सिर्फ आपके लाइटेंस्टियन को छोड़ के। शिकागो कन्वेंशन लेड टू द क्रिएशन ऑफ ICAO। शिकागो कन्वेंशन के कारण ही क्रिएशन हो पाया आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ICAO। इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है ICAO का। इट इज नॉट ए ग्लोबल रेगुलेटर, इट इज स्टैंडर्ड नेवर सुपरसीड द प्राइमेसी ऑफ नेशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ये जो है ग्लोबल रेगुलेटर नहीं है, इसका जो स्टैंडर्ड है वो कभी भी सुपरसीड नहीं किया है जो प्राइमेसी है नेशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लीडर टू फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन फॉरेन कंट्री। पीआईबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो आपका इरीडा है वो फाइनेंस करेगी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को फॉरेन कंट्री में भी, तो जानेंगे इसके बारे में हम डिटेल्स में। इरीडा इज प्लानिंग टू एस्टेब्लिश एन ऑफिस इन गुजरात गिफ्ट सिटी टू फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन फॉरेन कंट्री। इरीडा जो है वो तैयार कर रही है एक प्रोजेक्ट को ताकि वो एस्टेब्लिश कर सके ऑफिस को गुजरात के गिफ्ट सिटी पे, ताकि फाइनेंस किया जा सके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को फॉरेन कंट्री में। तो जो ये है फॉरेन करेंसी में फाइनेंस करने की बात कही गई है, ऐसा क्यों समझेंगे। द ऑफिस एट द गिफ्ट सिटी गांधीनगर विल बी क्लासिफाइड एज एन ओवरसीज ऑफिस अलोंग द रीडिका टू अवॉइड फॉरेन एक्सचेंज हेजिंग कॉस्ट।
जो ऑफिस होगा गिफ्ट सिटी गांधीनगर में, इसको क्लासिफाई किया जाएगा एक ऑफिस के तौर पे, जो अलाउ करेगा इरिडा को कि अवॉइड किया जा सके फॉरेन एक्सचेंज हेजिंग कॉस्ट को गिफ्ट सिटी। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन विच हाउसेज इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर एंड एन एक्सक्लूसिव डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। ये कंसिस्ट करता है मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, जो कि हाउस करता है इंडिया का पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को, और ये आपका एक एक्सक्लूसिव डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है। इफ्का इज द यूनिफाइड रेगुलेटर फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन इंडिया। और जो आपका इफ्का है वो यूनिफाइड रेगुलेटर है डेवलपमेंट के लिए, रेगुलेशन के लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट का, फाइनेंशियल सर्विस का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन इंडिया में। इरिडा के बारे में भी हम जान लें। इरिडा इज अ मिनी रत्न कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इरिडा जो है आपका, ये आपका मिनी रत्न कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। इट वॉज सेटअप एज ए स्पेशलाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस एजेंसी फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। इसको सेटअप किया गया है एक स्पेशलाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस एजेंसी के तौर पे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए। इरिडा प्ले अ की रोल इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग विद गिव्स कॉन्फिडेंस टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक टू लेंड दिस सेक्टर। और इरिडा जो है वो प्ले कर रही है की रोल को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में, जो फाइनेंस करता है कॉन्फिडेंस के साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक के मदद से, ताकि लेंड किया जा सके इस सेक्टर को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुलेठी। हम जानेंगे मुलेठी के बारे में। फॉर द फर्स्ट टाइम हिमाचल प्रदेश हैज बिगन द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ ल्यूकराइज मुलेठी विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांटिंग मटेरियल अमंग द फार्मर्स बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। पहली बार है हिमाचल प्रदेश जो है उसने स्टार्ट किया है कमर्शियल कल्टीवेशन को ल्यूकराइज मुलेठी का, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया प्लांटिंग मटेरियल को फार्मर्स के साथ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी के द्वारा। मुलेठी के बारे में हम जान लें। मुलेठी इज अ स्वीट टेस्टिंग पेरिनियल श्रब, रूट हैव स्वीट टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकेराइजिन विच इज 50 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, दैट हैज बीन यूज एज मेडिसिन इन आयुर्वेद नोन एज आयुर्वेद इन यष्टो मधु फॉर रिजुविनेशन। मुलेठी का स्वीट टेस्ट होता है, ये पेरिनियल श्रब है, इसका जो रूट है उसका काफी ज्यादा स्वीट टेस्ट होता है क्योंकि उसमें प्रेजेंस होता है ग्लाइकेराइजिन का, जो कि 50 टाइम्स स्वीटर है सुक्रोज के कंपैरिजन पे, और इसका उपयोग मेडिसिन के तौर पे आयुर्वेद में होता था। आयुर्वेद में इसको यष्टि मधु भी कहते हैं रिजुविनेशन के लिए। इट थ्राइव्स इन अ ड्राई एंड सनी क्लाइमेट एंड इज कल्टीवेटेड इन सब ट्रॉपिकल एंड वार्म टेम्परेट रीजन। ये थ्राइव्स करते हैं ड्राई और सनी क्लाइमेट में, और इसको कल्टीवेट किया जाता है सब ट्रॉपिकल या वार्म टेम्परेट रीजन पे। जो अदर प्रॉपर्टी है इसका, इट हैज एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी बैक्टीरियल एंड बूस्ट इम्यूनिटी। इसका जो है एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल और बूस्ट करता है ये इम्यूनिटी को, यानी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है मुलेठी। इट हेल्प इन वेट लॉस एज इट कंटेन फ्लेवोनॉइड दैट हेल्प टू रिड्यूस एक्सेसिव फैट एक्युमुलेटेड इन द बॉडी। और ये मदद करता है वेट लॉस में भी, क्योंकि ये कंटेन करता है फ्लेवोनॉइड को, जो कि मदद करता है रिड्यूस करने में एक्सेसिव फैट को जो कि एक्युमुलेट हो जाते हैं बॉडी में। इट हेल्प इम्प्रूव द डाइजेस्टिव सिस्टम, लेसन द एसिडिक लेवल इन द इंटेस्टाइन एंड ऑल्सो हेल्प टू डिटॉक्स आवर बॉडी। और ये इम्प्रूव करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी, लेसन करता है जो एसिडिक लेवल है हमारे इंटेस्टाइन में, और मदद करता है डिटॉक्स करने में हमारे बॉडी को। CSIR के बारे में भी हम जान लें। CSIR established by Government of India in 1942 is an autonomous body that has emerged as the largest research and development organization in India. जो CSIR है जिसको establish किया गया था Government of India के द्वारा 1942 पे, ये एक autonomous body है जो कि इमर्ज कर किया एक largest research और development organization के तौर पर भारत का। CSIR is also among the world's largest publicly funded research and development organization. और जो CSIR है ये आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इट प्रेसिडेंट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इसका प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। इट फाउंडर आर्को रामास्वामी मुदलर एंड शांति स्वरूप भटनागर, और इसके जो फाउंडर्स है CSIR के आर्को रामास्वामी मुदलर और शांति स्वरूप भटनागर से। ये आप देख सकते हैं मुलेठी इस प्रकार का दिखता है। ये मदद करता है अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी, क्रॉनिक कफ में भी। रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है रिक्यूरिंग थ्रोट इन्फेक्शन से। इसका उपयोग किया जाता है सिंगल्स के द्वारा भी वॉइस क्लैरिटी के लिए, यानी इसमें बहुत सारा बेनिफिट है, इसको कंज्यूम करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर्स सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।